हेलो एवरीवन, आज मैं लेग्स करने वाला हूँ। तो लेग्स करने से पहले ये थोड़ा बहुत मैं वार्म अप कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट करता हूँ मैं वार्म अप, और वार्म अप के बाद मैं पुशअप्स लगाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था। राइट, सो आप देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। हमारे बॉडी को रिलैक्स होता है जब भी हम वार्म अप वगैरह करते हैं। हमारा जो भी मतलब टाइटनेस होता है शरीर में, वो रिलीज़ होता है। और उसके बाद आप अगर कसरत वगैरह करते हो तो आपको पेन नहीं होता। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप वार्म अप ज़रूर करें, और इससे आपका स्टेमिना वगैरह भी बढ़ता है। आप जंपिंग जैक्स लगाते हो, बहुत कुछ करते हो, और जो भी आपका बोन में कुछ इश्यूज़ है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। आपका बॉडी मूवमेंट होता है पूरा प्रॉपर। तो वार्म अप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और बिफोर एक्सरसाइज वार्म अप ज़रूर करें। लेग्स कर रहा हूँ इसलिए मैं स्क्वाट मार रहा हूँ। पहले वार्म अप के टाइम में भी 10-12 स्क्वाट्स मारूँगा, उसके बाद मैं पुशअप भी करूँगा, और फिर स्टार्ट करूँगा मेरा लेग्स का। तो आप देख सकते हो पुशअप 30 से 50 बार मैं रोज़ लगाता हूँ। जब भी मेरा वर्कआउट डे होता है, वीक में एक दिन मैं नहीं जाता, देर इज़ संडे। बाकी दिन मैं जिम में ज़रूर जाता हूँ। अगर कभी मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट वीक मैं उसको कवर करता हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्वाट्स से। आप देखो मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ, वो सारे ऑल्टरनेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट स्क्वाट करूँगा, फिर मशीन्स में करूँगा। आप देखते जाओ कैसे मैं कर रहा हूँ। और गाइस, जिम जाओ या ना जाओ, बट आप कसरत ज़रूर करो। अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, आपका स्टेमिना बरकरार रहेगा। आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो सांस नहीं फूलेगा, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेग्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि उसी से हमें चलना होता है। तो इट इज़ बेटर कि आप उसको स्ट्रॉन्ग रखें। बहुत बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं जैसे मैं हूँ, हम लोग लेग्स को इग्नोर करते हैं। तो जो मेरे गुरुजी ने कहा है कि लेग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, वीक में एक दिन तो लेग्स आपको करना ही है एज़ पर द रूटीन। तो लेग्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ऑब्वियसली जिससे आप चलोगे उसको अगर स्ट्रांग नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा। तो आप जिम जाओ। पहले मुझे पता है कि आप एज अ बिगिनर, आप जब स्टार्ट करते हो तो 1-2 हफ्ते के बाद आपको बोर लगने लग जाता है। तो उस टाइम में आप ये कर सकते हो कि हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार जाओ। धीरे 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 आपका मन बनेगा, और धीरे धीरे आप देखना जिम फ्रीक हो जाओगे, आपको रोज़ जाने का मन करेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, और बना के मैं शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ताकि आप लोग जितने भी मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं सब अगर देखते हैं, और एक या दो भी अगर मोटिवेट होके जिम जाते हैं, तो यही मेरा मतलब मकसद को पूरा करेगा। आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जिम जाना पॉसिबल नहीं है, आप घर पे एक्सरसाइज करो, लेकिन करो। और जब मैं वर्कआउट करके घर आता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ बाहर से अंडे लेके आ, और अंडे लेके आके फिर उसको मैं खाता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। ट्यूसडे को छोड़ के मैं रोज़ ही अंडा खाता हूँ, 3 अंडे खाता हूँ बिना योक के। अगर योक खाता हूँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3 ही अंडे हैं, बट थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं सारे योक्स नहीं खाता, अवॉइड करता हूँ। और गाइस, जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करो, अपने वाइफ को या मम्मी को परेशान मत करो, खुद का काम खुद करा करो। किचन में थोड़ा बहुत काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, सो अपना अंडा खुद छीलो, चिकन बनाओ, फिश बनाओ, बॉयल्ड बनाओ, खाओ, और घर का खाना ज़रूर खाओ, क्योंकि हम अवॉइड करके नहीं जी सकते। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, और अपना
बॉडी फिट रखें, यही मेरा कामना है आप लोगों से। सो गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय द वीडियो। एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कोई भी अगर आपको फॉल्ट दिखे, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोले कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल में। आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें देखने को, किचन में खाना बनाना या जो भी है, बच्चों के साथ खेलना, सब कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। इट इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट चैनल, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट ए क्लिक। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, बहुत इम्पॉर्टेंट, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा जब भी वीडियोस वगैरह अपलोड होगा मेरे चैनल पे। बाय एवरीवन।